मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका चिप्ट चला था राशरण। राशरण के अंदर अपना जीवद्रव्य कुंचन है, यह चला था जीवद्रव्य कुंचन। किसे कहते हैं? जब कोई कोशिका है, किसी कोशिका को अपन अति प्राश्रय विलयन के अंदर रखा जाता है। जब किसी कोशिका को अति प्राश्रय विलयन में रखा जाता है तो वही प्राशरण के कारण कोशिका क्या हो जाती है? संकुचित हो जाती है। इसे अपन क्या कहते हैं? जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। जीवद्रव्य कुंचन था वो कितने प्रकार का पढ़ा था अपने? तीन प्रकार का। लिमिटिंग जीवद्रव्य कुंचन किस अवस्था में परिवर्तन दिखाई देते हैं? दिखाई नहीं देते हैं। परिवर्तन लिमिटिंग अवस्था के अंदर परिवर्तन है वो अपने दिखाई नहीं देते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन कोशिका के आकार में कुछ कमी आ जाती है। दूसरे है प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन। इस अवस्था के दौरान कोशिका का जीवद्रव्य है वो कोशिका भित्ति से किनारों से क्या होता है? आपका हटने लग जाता है। अगला है प्रत्येक जीवद्रव्य कुंचन। इस अवस्था में संपूर्ण जीवद्रव्य संकुचित हो जाता है। देखो डायग्राम बना लो, तीनों अवस्थाओं के। पहली अवस्था है लिमिटिंग अवस्था, ये अपनी कोशिका है। कोशिका है है, क्योंकि पादप कोशिका के अंदर रिक्तिका पाई जाती है। कोशिका भित्ति सेल वॉल नहीं देता है। दूसरा है इसके अंदर थोड़ा संकुचन हो जाता है और आसानी से है वो आपका दिखाई देने लग जाता है। ये कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली है, वो थोड़ी थोड़ी आपकी है वो कुंचित होने लग जाती है। ये जीवद्रव्य है, ये कोशिका भित्ति है, ये कोशिका झिल्ली है। लेकिन इसके अंदर देखो अपन कोशिका झिल्ली है ये आपकी दूर होती हुई दिखाई देती है, इसको अपन प्रारंभिक अवस्था कहते हैं। प्रारंभिक अवस्था। तीसरी अवस्था है इसके अंदर संकुचित अवस्था हो जाती है।
सब कुछ थे कुशिया झिल्ली है, वो कुशिया झिल्ली है आपकी संकुचित अवस्था के अंदर हो जाती है। कोशिका है वो आपकी संकुचित हो जाती है। इस अवस्था को बने अवस्था प्रत्यक्ष जीव विभाजन कहते हैं। प्रत्यक्ष ये तीनों अवस्थाएं हो गई। इसमें देखो परिवर्तन है वो आपके स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं, इसमें परिवर्तन है वो आपके दिखाई देते हैं कि कोशिका झिल्ली है वो आपके संकुचित हो रही है और इसमें है स्पष्ट रूप से संकुचित हो जाता है। तो इस प्रकार से तीन अवस्थाएं हैं। अगला अपना जीव द्रव्य विकुंचन, ये तो जीव द्रव्य कुंचन था यानी कोशिका का जीव द्रव्य देखो ये संकुचित हो रही है कुंचित हो रही है। अब जीव द्रव्य विकुंचन है, विकुंचन का मतलब है जब किसी पादप कोशिका को या किसी कोशिका को, मानो यही कोशिका है, किसी पादप कोशिका को किसी अपन किसके अंदर डाल दिया है अधोप्राश्री विलयन के अंदर डाल देते हैं, तो कोशिका यहाँ पर तो संकुचित हो रही है और वहां पर क्या हो जाएगी आपकी फैल जाती है स्फीत हो जाती है। जैसा एग्जांपल दिया था ना कल कि अपन किशमिश लेते हैं किशमिश को अपन डालते हैं तो किशमिश क्या हो जाती है आपकी जल के अंदर डालने पर किशमिश फूल जाती है, तो जीव द्रव्य विकुंचन है। देखो जीव द्रव्य विकुंचन जब किसी पादप कोशिका को अधोप्राश्री विलयन में रखा जाता है तो अंतःप्राश्रण के कारण है, अंतःप्राश्रण के कारण है जल के अणु विलयन से कोशिका में प्रवेश करते हैं, इससे
कोशिका का आकार इससे कोशिका का आकार बढ़ जाता है। तो इस क्रिया को ही क्रिया को ही जीवद्रव्य विकुंचन कहते हैं। देखो जीवद्रव्य कुंचन तो किस में होता है, कौन से जीवद्रव्य कुंचन तो अतिप्राश्रय विलयन में, और जीवद्रव्य विकुंचन अधोप्राश्रय विलयन में। देख लो ये तो किस में होता है, अतिप्राश्रय। अतिप्राश्रय विलयन कौन सा विलयन होगा, अतिप्राश्रय विलयन कौन सा विलयन होगा, यानी वह विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका, कोशिका की सांद्रता से क्या होता है, अधिक होता है, तो उसको तो क्या कहते हैं, अतिप्राश्रय। और अधोप्राश्रय, अधोप्राश्रय विलयन वह विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता क्या होती है, विलयन की सांद्रता से क्या होता है, अधिक होता है, तो उसको क्या कहते हैं, अधोप्राश्रय विलयन। दिखाई भी है अपनी भाषा, याद नहीं है। अब है कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब, सेल में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब, कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब। पहला दाब है, इसको कहते हैं अपन स्फीति दाब। स्फीति दाब टेगर प्रेशर, टेगर प्रेशर जिसको पीपी कहते हैं, जब देखो ये मेरे अपना एक बीकर है, ये क्या है, बीकर है। इसी बीकर के अंदर ये मैंने क्या रखी है, इसके अंदर ये जल है, अधोप्राश्रय विलयन है। क्या है, अधोप्राश्रय विलयन रखा हुआ है। और ये कोशिका है, ये कोई पादप कोशिका। अब देखो इसको जब अधोप्राश्रय विलयन के अंदर रखा गया है, तो जल के अणु इस कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे, स्वाभाविक सी बात है भाई, जल के अणु किसके अंदर प्रवेश करेंगे, इसमें प्रवेश करेंगे, इसमें प्रवेश करेंगे, तो ये कोशिका क्या होगी, स्फीत होगी, कोशिका फैलेगी। कोशिका जब फैलेगी तो इसके प्रोटोप्लास्ट है उसके ऊपर क्या लगेगा, एक दाब लगेगा, बस उसी को ऊपर क्या कहते हैं, स्फीति दाब कहते हैं, या स्फीत दाब कहते हैं। जैसे किशमिश को ही रखा है, तो किशमिश के अंदर जल जैसे प्रवेश करेगा तो ये क्या होगा, फैलेगी, फैलने के दौरान इसके ऊपर क्या पड़ेगा, इसकी जो प्रोटोप्लास्ट कोशिका है उसके ऊपर क्या पड़ता है, दाब पड़ेगा। दाब पड़ने को ही अपन क्या कहते हैं, स्फीति दाब कहते हैं। देख लो जब किसी पादप कोशिका को
जब किसी पादप कोशिका को अधोप्राश्री विलयन में पादप कोशिका को अधोप्राश्री विलयन में रखा जाता है, अधोप्राश्री विलयन में रखा जाता है, तो जल के अणु पादप कोशिका तो जल के अणु पादप कोशिका में प्रवेश करते हैं जल के अणु पादप कोशिका में प्रवेश करते हैं जल के अणु पादप कोशिका में प्रवेश करते हैं इसके फलस्वरूप फलस्वरूप रिक्तिका इसके फलस्वरूप रिक्तिका फैलकर रिक्तिका फैलकर प्रोटोप्लास्ट पर दाब लगाती है प्रोटोप्लास्ट पर प्रोटोप्लास्ट पर दाब लगाती है तथा प्रोटोप्लास्ट कोशिका भित्ति पर प्रोटोप्लास्ट कोशिका भित्ति पर कोशिका भित्ति पर दाब उत्पन्न करता है दाब उत्पन्न करता है प्रोटोप्लास्ट द्वारा प्रोटोप्लास्ट द्वारा कोशिका भित्ति पर कोशिका भित्ति पर उत्पन्न किए गए भित्ति पर उत्पन्न किए गए दाब को ही किए गए दाब को ही स्फीति दाब कहते हैं किए गए दाब स्फीति दाब कहते हैं सेकंड है स्फीति दाब स्फीति दाब वाल प्रेशर वाल प्रेशर WP देखो बेटे स्फीति दाब के दौरान जो कोशिका फैलेगी स्फीति दाब के दौरान कोशिका पादप कोशिका में कोशिका भित्ति द्वारा जो प्रोटोप्लास्ट है उस प्रोटोप्लास्ट के ऊपर जो दाब लगाया जाता है भाई कोशिका भित्ति तो बाहर होती है कोशिका भित्ति मानो यही कोशिका है ये तो आपकी प्रोटोप्लास्ट कोशिका है जैसे ये फैलेगी तो ये प्रोटोप्लास्ट कोशिका क्या होगी फैलेगी ये और ज्यादा फैलेगी जिसके कारण से ये भित्ति दाब है ये आपकी कोशिका भित्ति है इस कोशिका भित्ति के द्वारा इसी प्रोटोप्लास्ट के ऊपर जो दाब लगाया जाएगा ना इसके द्वारा इसके ऊपर नहीं तो ये क्या हो जाएगी कोशिका जो भित्ति है इसको टूट जाएगी लेकिन इसके द्वारा इसके ऊपर जो दाब लगाया जाता है उस दाब को फिर क्या कहते हैं भित्ति दाब कहते हैं यानी भित्ति के द्वारा कोशिका भित्ति के द्वारा प्रोटोप्लास्ट के ऊपर लगाया गया दाब क्या कहलाता है भित्ति दाब कहलाता है
स्पीति दाब में वृद्धि के फलस्वरूप स्पीति दाब में वृद्धि के फलस्वरूप पादप कोशिका में कोशिका भित्ति द्वारा प्रोटोप्लास्ट पर लगाया गया दाब भित्ति दाब कहलाता है। यानी जब तक ये दोनों यानी स्पीति दाब और भित्ति दाब दोनों बराबर होंगे तब क्या होते हैं पी पी बराबर होता है डब्लू पी। पी पी के द्वारा तो क्या स्पीति दाब और इसके द्वारा वाल्व प्रेशर भित्ति दाब दोनों बराबर। थर्ड है राशन दाब। राशन है दाब जिसको अपन ओपी कहते हैं ये अपने पढ़ लिया है कि राशन दाब किसे कहते हैं। राशन दाब विलेय पदार्थ की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। इसी के ऊपर तो निर्भर करता है कि अधिक सांद्रता वाले विलेय ने जब किसी पादप कोशिका को अति प्रास्ती विलेय में रखा जाता है तो जल के अणु पादप कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं। उन्हें के द्वारा पादप कोशिका के द्वारा जो दाब उसके ऊपर लगाया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं प्रासरण दाब कहता है। ये अपन ने पढ़ लिया है। और तीसरा है विसरण दाब न्यूनता। विसरण है दाब न्यूनता। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट जिसको अपन डी पी डी शॉर्ट कहते हैं डीपी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट डीपीडी कहते हैं। देखो जब कोई विलेय पदार्थ है उस विलेय पदार्थ को बिल्कुल शुद्ध विलायक के अंदर डाला जाता है। कोई विलेय पदार्थ है ये विलायक है शुद्ध विलायक अपने लिया हुआ है इसके अंदर क्या है शुद्ध विलायक है। इस शुद्ध विलायक में जब किसी विलेय को इसके अंदर डाला जाता है मानो चीनी डाली आपने शुगर डाली जो भी डाल दी है डाला जाता है किसी भी विलेय पदार्थ को इसके अंदर डाला जाता है तो इसके द्वारा इसके ऊपर जो दाब लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं अपने विसरण दाब कहते हैं। लिखो तथा इसकी जो विलायक के अणु की क्या होती है गतिज ऊर्जा की कम होती है। लिखो जब किसी शुद्ध विलायक में विलेय पदार्थ मिलाया जाता है Thank you.
शुद्ध विलायक में विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलायक की गतिज ऊर्जा में कमी होती है। विलायक की गतिज ऊर्जा में कमी होती है। इससे एक दाब उत्पन्न होता है। इससे एक दाब उत्पन्न होता है। इस दाब को विस्तरण दाब कहते हैं। तथा विलायक के विस्तरण दाब में दाब में होने वाली कमी को विलायक के विस्तरण दाब में होने वाली कमी को कमी को विस्तरण दाब न्यूनता कहते हैं। अर्थात विस्तरण दाब न्यूनता dPd बराबर OP राशन दाब माइनस dP स्थिति दाब। यहाँ dPd क्या है? dPd बराबर है जल की मांग। एक स्पीति कोशिका की dPd शून्य होती है। कैसे? माना यदि क्या है? मानो ओपी प्राशन दाब कितना है आपका? 10 पी है। और जो स्थिति दाब है dP है, ये भी आपका कितना है? 10 पी है। तो dPd क्या होगा? dPd बराबर क्या होगा? अरे ओपी माइनस है, ये तो है ओपी माइनस एपी। तो dPd बराबर ओपी कितना है? 10 माइनस 10 बराबर dPd कितना आया? शून्य। ये शून्य होता है। अर्थात पहला चेंज करके लिखो, विस्तरण दाब न्यूनता को अपनी परिभाषा में लिख सकते हैं। अर्थात कोशिका में जल के अणु की प्रवेश करने की प्रवृत्ति को ही
विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। इससे आगे है वो अपन नल के कालांश के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।